मंडल नालागढ़ की ग्राम पंचायत कश्मीरपुर के मंधाला गांव में उस समय सनसनी फैल गई जिस वक्त गांव के ग्रामीण ने एक युवक के शव को सड़क किनारे मृत अवस्था में देखा। ग्रामीण ने तुरंत इसकी सूचना गांव के प्रधान गुरपाल सिंह को दी, जिसके पश्चात गुरपाल सिंह ने तुरंत मौके पर जाकर देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर जोगो थाना प्रभारी अपने मुलाजिम के साथ वहाँ पर पहुँचे और आगे की छानबीन शुरू की। तो लड़का था, मेरा भांजा ही लगता था, इसका जो किसी ने मर्डर करके यहाँ फेंका हुआ। सुबह प्रधान जी जो ब्रूना वाले गुरपाल सिंह जी, उनको किसी का फ़ोन आया कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी है। तो पुलिस आई तो देखा गया कि लड़के का जो मर्डर करके साइड में खींचा हुआ है, झाड़ियों में फेंका हुआ है। ये लड़का 22 साल का अकेला ही लड़का था और इसका मर्डर किया हुआ है। और शक का तो अभी इंक्वायरी का विषय है, पुलिस इंक्वायरी करेगी सारा कि रात को ये कब कहाँ कहाँ गया, क्या है, जो भी है। ये बड़े दुख की बात है। तो पुलिस प्रशासन से सर किस तरह की मांग करते हैं? हमें ये कहते हैं जो दोषी है, जो भी है, ये मर्डर है, ये फर्स्ट फेज में जो क्लियर दिख ही रहा कि मर्डर है, तो जितने भी दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि पहले भी हमारे चंगा क्षेत्र में ऐसे बहुत से केस हो लिए हैं जिनका आज तक कोई कुछ भी, काफ़ी केस ऐसे है जो इनका अनपहली बन के रह गए हैं। हाँ, इनके जैसे देखा हमने, इसमें चोटों के निशान है, जैसे साइड में पेट में, और खींचा हुआ है, दिख रहा है स्पष्ट। आपने भी देखा होगा कि खींच के साइड को किया हुआ है। तो भी ऐसे साहब भी आए हुए, ऐसे साहब भी है, इंक्वायरी कर रहे हैं और अपने लैब से भी मेरे लगता है अपने शिमला से टीम आ रही है, प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी इसकी, कि ऐसा नहीं है कि ये भी एक पहेली बन के रह जाए। ये यहाँ का ही ऊपर का ही अपना बसवाल का, और मेरी पंचायत में ग्राम पंचायत बरूणा का प्रधान हूँ, और मेरी पंचायत का एरिया पड़ता है जहाँ ये शॉप था। और मेरे को यहाँ गांव वालों ने सुबह फ़ोन किया 7:30 बजे, यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है, पता नहीं किसकी है। और मैं आया और आके चेक किया, और जब चेक किया तो ये बोले कि मेरे को पता लगा लड़कों से कि ये तो बासवाल की डेड बॉडी है। और मैं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद पुलिस आ गई। नेक्स्ट जो अपने कार्रवाई पुलिस कर रही है, जो भी इसका ये होगा वो हम आपको बताएंगे। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।